Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा की अपने श्रृंखला में आज हम एक ऐसे चिंतक के बारे में बातचीत करेंगे जिन्होंने भारत में सुधारों की बात की उन्होंने आधुनिक भारतीय समाज में सिर्फ सामाजिक सुधार ही नहीं किए बल्कि राजनीतिक चिंतन की दिशा में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया आज हमारी चर्चा राजा राम मोहन रॉय के बारे में होगी राजा राम मोहन राय के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को अधिकांश तर यह पता जरूर होगा कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के खिलाफ काफ़ी संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में थे लेकिन इसके साथ ही आज की जो हमारी चर्चा है वह उन पहलुओं पर भी ध्यान देगी जिसके बारे में आमतौर पर लोग कम जानते हैं हमारी इस पूरी चर्चा का उद्देश्य यह है कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में एक स्तर की व्यवस्थित जानकारी आपको मिल पाए कम से कम ग्रेजुएशन स्तर तक की जो जानकारी है वो आपको मिल पाए और जब आप आगे इनके बारे में और पढ़ने की इच्छा रखें तो आपके पास एक आधार रहे कि राजा राम मोहन राय कौन थे और उनके मुख्य विचार क्या थे तो राजा राम मोहन राय की जो सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है वह यह कि एक दौर में जब वो इस दुनिया में थे उस समय भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे करके काफ़ी स्थापित हो चुका था और वो इस पूरे प्रभुत्व की स्थिति में एक अलग तरह से भारत की कल्पना करते हैं वो एक अलग तरह की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं एक अलग तरह के राजनीतिक सोच को लाने की बात करते हैं तो इन्हीं राजा राम मोहन राय के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे हमारी जो चर्चा की रूपरेखा होगी उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय के जीवन के बारे में कुछ बातों को समझेंगे उसके बाद हम यह देखेंगे कि कैसे वो सुधार की तार्किकतावादी बुनियाद की बात करते हैं उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तो ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज के सिद्धांत ये किस तरह से सामने आए राजा राम मोहन राय ने किस तरह के सामाजिक सुधारों की बात की स्वतंत्रता के बारे में उनका क्या विचार था अंतर्राष्ट्रीयतावाद और धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन को उन्होंने किस रूप में देखा उनके आर्थिक विचार क्या थे और न्यायिक प्रशासन के में जो सुधार की बातें हैं वो उन्होंने किस रूप में देखी और जो एक संविधानवाद की बात आती है उसमें अधिकार और न्याय के उनके विचार किस रूप में सामने आए बहुत संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो हमारा लक्ष्य यह है कि हम उनके विचारों को समग्र रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें उनके जीवन को उनकी स्थितियों को ही नहीं बल्कि उनके विचारों के जो प्रमुख आयाम थे उसकी भी एक समझ आपको मिल पाए यह हमारी कोशिश है राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है इनका जन्म 22 मई सत्रह को हुआ था और मृत्यु 27 सितंबर 1833 को भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है इनका पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था वे ब्रह्म समाज के संस्थापक भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नवजागरण युग के पितामह हैं उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का काम किया यहाँ पर हमें यह साफ तौर पर समझ रखनी होगी कि जब राजा राम मोहन राय सक्रिय थे तो उस समय कोई व्यवस्थित स्वतंत्रता आंदोलन हमारे देश में नहीं चल रहा था 1833 में ही वो दुनिया को छोड़ के चले गए और जिसे हम अपने देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं वह अठारह में हुआ उसकी पहले जरूर आदिवासी इलाकों में अलग अलग तरह के विद्रोह हो रहे थे लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से नागरिकों के पास कैसे अधिकार होने चाहिए नागरिकों की जो जीवन की दशा है उसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कैसे उस दशा को बेहतर बनाया जाए इस तरह की सोच को लेकर राजा राम मोहन राय ने काफ़ी काम किया इनका जन्म वर्तमान समय के पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के राधानगर नामक स्थान पर हुआ था इनका परिवार तीन पीढ़ियों से मुगल साम्राज्य के साथ जुड़कर काम करता था इसी कारण इन्हें न सिर्फ आ, मुस्लिम धर्म और संस्कृति का ज्ञान था बल्कि वे उसका सम्मान भी करते थे मुगल शासक अकबर दो ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी हालांकि अंग्रेजों के साथ संपर्क बढ़ने के बाद उन्होंने मुगलों की प्रशंसा बंद कर दी बल्कि वे उनकी आलोचना भी करने लगे थे पंद्रह वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली संस्कृत अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था किशोरावस्था में उन्होंने काफ़ी भ्रमण किया पहले 1803 में उन्होंने यूरोपियनों के लिए काम किया वे मुर्शिदाबाद के कलेक्टर थॉमस वुड मुन के मुंशी या निजी सचिव बने 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि अब उन्हें आगे काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी इसके बाद अगले पंद्रह वर्षों तक यानी नवंबर 1830 में इंग्लैंड जाने से पहले तक वे स्थानीय स्तर पर पंडितों से यह वाद विवाद करते रहे कि हिंदू धर्म का मूल आधार क्या है उन्होंने अन्य धर्मों पर भी गहराई से और आलोचनात्मक तरीके से विचार किया राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह सती प्रथा जातिवाद कर्मकांड पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया धर्म प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डफ ने उनकी काफी सहायता की 1815 में आत्मीय सभा तथा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई देवेंद्र टैगोर उनके सबसे प्रमुख अनुयायी थे आधुनिक भारत के निर्माता सबसे बड़े सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संस्थापक ब्रह्म समाज राजा आदि के द्वारा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह भी अंग्रेजी आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अध्ययन को भारतीय समाज में लोकप्रिय बनाना चाहते थे और उसके माध्यम से बदलाव करना चाहते थे और ये सब जो उनकी प्रवृत्तियां थी इसके कारण समाज में काफी सम्मान हासिल हुआ और जैसे मैंने पहले उल्लेख किया कि मुगल साम्राज्य जो राजा थे अकबर दो उन्होंने उन्हें एक उपाधि प्रदान की राजा की और इसी के बाद से वो राजा राम मोहन राय के नाम से जाने गए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैनिकल मैगजीन संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार जिसका अर्थ होता है एकेश्वरवाद का उपहार बंगदूत जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन प्रकाशन किया बंग दूत एक अनोखा पत्र था इसमें बांग्ला हिंदी और फारसी भाषा का प्रयोग एक साथ किया जाता था उनके जुझारू और सशक्त व्यक्तित्व का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है किसन 1821 में अंग्रेज जज द्वारा एक भारतीय प्रताप नारायण दास को कोड़े लगाने की सजा दी गई इसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई इस बर्बरता के खिलाफ राय ने एक लेख लिखा राय ने आधुनिक बंगाली गद्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया इसके अलावा 1814 से 1833 के बीच उन्होंने बंगाली इंग्लिश और संस्कृत में 60 ट्रेक्ट और पैम्फलेट की रचना की 23 दिसंबर 1833 का को इनका देहांत हो गया कुल मिलाकर आगे बढ़ने से पहले अगर हम बहुत ही संक्षेप में राजा राम मोहन राय के जीवन को पर ध्यान दें तो वो एक ऐसे अनूठे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने मुगलों के साथ भी काम किया फिर अंग्रेजों के साथ भी काम किया और जिनके जीवन का एक बड़ा अरसा इस रूप में गुजरा कि वो ज्ञान की बातों के माध्यम से लोगों से जुड़े उन्होंने कई तरह के स्वतंत्र रचनाएं की अखबार निकाले और नागरिक अधिकारों का मुद्दा भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उठाया समाज की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया तो एक तरीके से उनका जीवन काफी रोचक घटनाओं से परिपूर्ण और विभिन्न धाराओं के संगम के रूप में था वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया और इस अध्ययन के माध्यम से उन्होंने अपनी एक सोच विकसित करने की कोशिश की और उन्होंने ब्रह्म समाज जैसा एक महत्वपूर्ण संगठन भी बनाया तो ये एक जीवन है जहाँ और वो जिस दौर में थे वह दौर ऐसा था जहाँ पर पूरी तरीके से जो भारतीय समाज था वो एक तरह से जड़ता से ग्रस्त था जड़ता इस अर्थ में कि अंग्रेजी शासन आने के बाद जो आधुनिक पद्धति थी आधुनिक सोच का जो तरीका था वह धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा था लेकिन वह अभी पूरी तरीके से पहुंचा नहीं था और राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को काफी आगे बढ़ाया और इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने भारतीयों के हितों को सबसे आगे रखा और जब हम आगे उनके विचारों के अन्य पहलुओं पर ध्यान देंगे तब हमारे सामने यह बात ज़्यादा साफ तौर पर सामने आएगी उन्होंने सुधार की एक तार्किकतावादी बुनियाद पर जोर दिया राम मोहन राय ने विवेक और युक्ति युक्तता के आधार पर सुधारों की मांग की वे यह मानते थे कि भारत का आधुनिकीकरण सिर्फ भौतिक विकास से नहीं बल्कि बौद्धिक विकास से होगा वे पश्चिमी शैली की शिक्षा के समर्थक थे और वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे विशेषकर वे विज्ञान की शिक्षा अंग्रेजी में अंग्रेजी को महत्वपूर्ण मानते थे निश्चित रूप से इस बारे में इनका नजरिया मैकाले से भिन्न था अब यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि जो मैकाले थे जिन्होंने बाद में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद एक पूरी तरीके से एक पॉलिसी प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने भारतीय ज्ञान को बहुत ही हे दृष्टि से देखा उन्होंने कहा कि भारतीयों से आप मौलिक रूप से चिंतन करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो कैसे बेहतर क्लर्क बन पाए और इस लिहाज से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की लेकिन राजा राम मोहन राय यह मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा इसलिए भारतीयों को दी जानी चाहिए वह इसलिए भारतीयों तक पहुंचनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो दुनिया में जो नई नई तरह की बातें लिखी जा रही हैं जो ज्ञान विज्ञान में जो प्रगति हो रही है उसे वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए और उसके माध्यम से वो अपना विकास कर पाए उन्होंने स्त्रियों को संपत्ति अधिकार देने हिंदू विधवाओं के साथ बराबर व्यवहार समाप्त करने सती प्रथा और मूर्ति पूजा आदि की समाप्ति पर बल दिया ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की भारत का एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था ब्रह्म समाज जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन रॉय थे बीस अगस्त अठारह में ब्रह्म समाज को राजा राम राय और द्वारका नाथ टैगोर ने स्थापित किया था इसका एक उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया जैसे सती प्रथा बाल विवाह जाति तंत्र और अन्य सामाजिक बुराइयां सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की और अठारह में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया देवेंद्र ठाकुर ने उसे आगे बढ़ाया बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े उन दोनों के बीच मतभेद के कारण केशव चंद्र सेन ने अठारह में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नाम की संस्था की स्थापना की तो ये जो ब्रह्म समाज जैसी संस्था थी उसकी जो विशेष भूमिका हम देख सकते हैं उसे हम सती प्रथा के उन्मूलन के रूप में भी देख सकते हैं इसके अलावा जो समाज में अलग अलग तरह की कुरीतियां थी उससे निपटने के लिए उन्होंने कि ब्रह्म समाज और उसके लोगों ने इस पर काम किया ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया और निश्चित रूप से राजा राम मोहन रॉय ने जिन्होंने की 20 अगस्त 1828 में इसे स्थापित किया था उसके माध्यम से उन्होंने यह कोशिश की कि किस कि तरीके से चीजें जो हैं वो आगे बढ़ पाए तो जो ब्रह्म समाज के हम सिद्धांतों की बात करें तो उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा समाज जो कि अः अठारह सत्रह सौ के बाद अठारह उन्नीसवीं सदी में अठारहवीं सदी के बाद उन्नीसवीं सदी में जब राजा राम मोहन राय उसके पहले भाग में सक्रिय थे वह समाज अलग अलग तरीके से धार्मिक कुरीतियों से ही नहीं बल्कि धार्मिक आडंबरों से और धार्मिक कट्टरता से भी एक घिरा हुआ था धार्मिक कट्टरता का अर्थ है कि लोग अपने अपने धर्म अपनी अपनी परंपराओं को ही सर्वस्व मानते थे और दूसरों से संवाद करने के लिए वो तैयार नहीं थे तो उस अर्थ में जो हिंदू समाज की जो कमियाँ थी उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया और ब्रह्म समाज के कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया इसका पहला सिद्धांत यही था कि ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है आत्मा अमर है मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए सभी मानव समान हैं इसका उद्देश्य बताया गया कि हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक एवं तार्किक जीवन को पर बल दिया जाए इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर दिया एकेश्वरवाद एक, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में ब्रह्म समाज के द्वारा अपनाया गया क्योंकि यह माना गया कि ऐसा करने से जो अलग अलग पंथों में अलग अलग देवी देवताओं के पूजन करने वाले छोटे छोटे भागों में हिंदू समाज बटा हुआ है वह एक ईश्वरवाद के माध्यम से अपने आप को एक खास तरह की आस्था या एक खास तरह के विचार से जोड़ पाएगा और इसके साथ ही तो ये एकेश्वरवाद का विचार हालांकि बहुत आगे बढ़ पाया ऐसा नहीं लगता है और वर्तमान समय भी, भी हम देखेंगे कि बहुदेववाद वाद की प्रथा मौजूद है लेकिन उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो इसी बात पर जोर देना था कि अलग अलग देवता जिस रूप में भी लोग उन्हें पूजते हैं असल में वो सभी एक ही ईश्वर के रूप हैं। सामाजिक कुरीतियों में ब्रह्म समाज ने अलग अलग तरीके से काम किया जिसके बारे में पीछे मैंने उल्लेख किया है इसके जो कार्य ब्रह्म समाज के माने गए या उसके तय किए गए उसमें उपनिषद और वेदों की महत्ता को सबके सामने लाना समाज में व्याप्त सती प्रथा पर्दा प्रथा बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष किसानों मजदूरों श्रमिकों के हित में बोलना पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश करना यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि राजा राममोहन राय ने या ब्रह्म समाज ने इस बात को नहीं माना कि हमें पूरी तरीके से पश्चिम के रंग में रंग जाना है लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी नहीं माना कि पश्चिम से जो ज्ञान की बातें हैं वो हमें स्वीकार नहीं करनी है तो एक तरफ ब्रह्म समाज ने उपनिषद और वेदों की की महत्ता पर जोर दिया और दूसरी तरफ इसने पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने पर भी बल दिया अगर हम राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक सुधारों पर ध्यान दें तो उस उसपे एक बात जो साफ तौर पर सामने आती है कि वो अंधविश्वासों को दूर करना चाहते थे वो दिखाना चाहते थे आम लोगों को कि जो अंधविश्वास हैं वो काफी खोखले हैं और उनकी इस काम के, के माध्यम से उन्होंने एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत की उन्होंने लोगों को बताया कि अगर धर्म तथा समाज में सुधार नहीं होता है तो सिर्फ राजनीतिक विकास का कोई मूल्य नहीं रहेगा चाहे हमें राजनीतिक स्वतंत्रता क्यों ना मिल पाए राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और यह बताया कि यह पहले से प्रचलित परंपरा नहीं है बल्कि इसका प्रचलन बाद में हुआ उनका मानना था कि इसने

गहराई से समझ पाएंगे क्योंकि जिस दृढ़ता के साथ राजा राम मोहन राय ने अपने इन विचारों को रखा वह अपने आप में अनूठा था वह एक ऐसे समाज में ऐसे लोगों के बीच बात कर रहे थे जहाँ शिक्षा का स्तर अभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाया था जहाँ पर लोग अपनी परंपराओं से काफी गहराई से जुड़े हुए थे और उन परंपराओं में मूर्ति पूजा की परंपरा सबसे प्रमुख थी और वो आज भी है तो इस लिहाज से उन्होंने बहुत ही तार्किक तरीके से बहुत ही जोर देकर यह कहा कि ईश्वर है ईश्वर में आस्था रखना अच्छी बात है लेकिन मूर्ति पूजा करना सही नहीं है और इसी तरीके से उन्होंने बहुत सी परंपराओं का भी विरोध किया और उन्हें खतरनाक बताया उनका कहना था कि कई परंपराओं में अंधश्रद्धा के साथ गलत चीजों को भी प्राचीन तथा पवित्र बता दिया जाता है जबकि वास्तविकता यह नहीं रहती उनका कहना था कि अगर आप परंपरा को ही सब कुछ मानते हैं तब तो कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा को छोड़कर शुद्ध ब्रह्मा की पूजा करना अत्यंत जरूरी है क्योंकि शुद्ध ब्रह्म की पूजा ही आपके धर्म की सबसे प्राचीन परंपरा है और इसी आधार पर सती प्रथा का विरोध किया। समाज में चली आ रही इस सामाजिक प्रथा को उन्होंने काफी हद तक खत्म किया उन्होंने साफ कहा कि सती प्रथा या सहमरण सा, शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है वरन यह तो शास्त्र विकृत प्रथा है इस संबंध में उन्होंने बहुत प्रयास किए उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही अठारह में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक आज्ञा जारी कर इसे निषिद्ध कर निषि राम मोहन राय इसने इस बात पर जोर दिया पर विश्वास नहीं किया कि स्त्रियों में पुरुषों की बजाय कम बुद्धि रहती होती है उन्होंने नारी शिक्षा नारी अधिकार तथा स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया और उन्होंने हिंदू समाज में नारी पर किए जाने वाले अत्याचार तथा शोषण की कड़ी निंदा की उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया और बाल विधवाओं के पुनर्विवाह एवं प्रौढ़ विधवाओं को शिक्षा सुविधा देने की भी मांग रखी अब ये जो एक महत्वपूर्ण बात जो राजा राम मोहन राय कर रहे थे उसकी तुलना अगर हम पश्चिम की विचारकों से करें मिसाल के तौर पर एरिस्टोटल जैसे विचारक हुए जिन्होंने यह कहा प्राचीन ग्रीस में कि प्राचीन यूनान में कि असल में जो महिलाएं होती हैं उनमें पुरुषों से कम सोचने समझने की क्षमता होती है राजा राम मोहन राय ने इस तर्क को पूरी तरीके से नकार दिया हमें यह समझने यह समझने की जरूरत है कि यह एक ऐसा विश्वास था जो हिंदुस्तान में में भी कई लोगों में गहरे तक बैठा हुआ था तो ये सारे सुधार और इन सुधारों की मांग जो एक पुरुष केंद्रित समाज हो सकता है जहां पर बहुविवाह की प्रथा हो जहाँ पर पर्दा प्रथा हो जहां पर महिलाओं को कम शिक्षा देने पर भरोसा किया जाता हो और जहां सबसे बढ़कर यह माना जाता हो कि पुरुष ही समाज का संचालक है तो उस समाज की को तोड़ने में या उस समाज की जड़ता को एक झकझोरने में राजा राम मोहन राय जैसे चिंतकों के विचारों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और राजा राम मोहन राय ने सामाजिक बदनामी या सामाजिक रूप से बहिष्कृत होने जैसे खतरों को उठाते हुए भी हिंदू समाज में मौजूद इन प्रथाओं और इन प्रणालियों का बहुत ही तीखा विरोध किया राजा राम मोहन राय का मत था कि भारतीय समाज में जाति प्रथा समाज का एक घोर अभिशाप बना हुआ है जिसके कारण समाज सुधार की राजनीतिक एकता तथा आर्थिक प्रगति में भी बाधा है राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी जिसमें धार्मिक एवं समस्त सामाजिक कुप्रथाओं की आलोचना की जाती थी आत्मीय सभा एक तरह से सामाजिक सुधार की ही सभा थी राजा राम मोहन राय के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांतों पर हम आगे बात करेंगे लेकिन आ, मुझे ये उम्मीद है कि जब हम उनके सामाजिक सुधारों के संबंधित प्रयासों की बात कर रहे हैं तो हम उनकी उसकी महत्ता को उसके महत्व को और गहरे स्तर पर समझ पाएंगे जब हम उनके संदर्भ को याद रखेंगे और ये वो सारी बातें वो सारे विचार जो अभी तक हमने देखे जो राजा राम मोहन राय के द्वारा व्यक्त किए जा रहे थे वह वर्तमान समाज में भी खुलकर कहना बहुत ज्यादा प्रशंसनीय नहीं माना जाएगा तो ऐसे समय में हम राजा राम मोहन राय के प्रयासों के महत्व को समझ सकते हैं जबकि हमारे समाज में और ज्यादा मध्ययुगीन मूल्य मौजूद थे और काफी गहरे स्तर पर जड़ जमाए हुए थे तो अगर हम वहां से आगे बढ़ते हुए राजा राम मोहन राय के स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर ध्यान दें तो हमें यह इस बात पर हमारा ध्यान जाएगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो प्रबल समर्थन है वह आधुनिक उदारतावाद का एक प्रमुख अंग है और जॉन लॉक टॉमस पेन जॉन स्टुअर्ट मिल तथा ग्रोसियस आदि विचारकों द्वारा इस पर जोर दिया गया आधुनिक भारत में स्वतंत्रता की व्याख्या उसका व्यक्ति एवं समाज के लिए महत्व एवं उसके प्रकारों की व्याख्या करने का कार्य राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया गया है यही कारण है कि उन्हें व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थकों के नाते आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में वैसा ही स्थान प्राप्त है जैसा कि पाश्चात्य चिंतन में लॉक रूसो मिल आदि को Uh, हमें यह ध्यान देना होगा कि uh, जब हम जॉन लॉक रूसो और मिल इनका नाम लेते हैं तो मोटे तौर पर ये सारे चिंतक अलग अलग तरह से अपनी बातों को रखते हैं लेकिन जो प्रमुख बात है वो ये कि उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में चिंतन किया उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर जोर दिया हालांकि जॉन लॉक जो हैं वो पूरी तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और रूसो जो हैं वो समुदाय के भीतर व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये विचार आपस में अलग अलग भी हैं लेकिन जो मूल मंतव्य है वो यह कि व्यक्ति जो है वो समुदाय के भीतर या सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में कुछ स्वतंत्रताओं का अधिकारी है यह विचार पश्चिम में उभर कर सामने आया और हमारे देश में आरंभिक स्तर पर राजा राम मोहन राय ने इस विचार को आगे बढ़ाया राजा राम मोहन राय की व्यक्ति की स्वतंत्रता के, के सिद्धांत में अटूट श्रद्धा थी उनके अनुसार स्वतंत्रता के माध्यम से व्यक्ति अपना नैतिक विकास करता है भारत में प्रचलित कुप्रथाओं को, को दूर करने के उनके प्रयासों को प्रेरणा देने वाला सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही सिद्धांत था धार्मिक स्वतंत्रता पूजा उपासना तथा अंतरात्मा की स्वतंत्रता प्रेस तथा भाषण की स्वतंत्रता इत्यादि की मांग करना उनके विचारों का अंग था और अगर हम ये ध्यान दें तो ये सारे विचार अभी हमारे संविधान का भाग हैं और उसके पहले 1931 के कराची कांग्रेस के अधिवेशन में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक बुनियादी मांग के रूप में स्वीकार किया तो उससे तकरीबन 100 साल पहले राजा राम मोहन रॉय इस तरह के विचारों पर जोर दे रहे थे और पी प्रेस की स्वतंत्रता तो उनका एक प्रिय विषय भी था और उन्होंने लगातार प्रेस के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने जो न्याय के प्रश्न हैं उनको उठाने का काम किया जहां एक और राजा राम मोहन ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया वहीं दूसरी ओर वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पोषण का भी के भी समर्थक थे हालांकि हमें यह ध्यान रखना होगा कि उनके समय तक एक व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग उठकर सामने नहीं आ रही थी अंतर्राष्ट्रीयतावाद और धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन पर भी उन्होंने काफी जोर दिया एक स्तर पर वे अंतर्राष्ट्रीयतावाद का भी समर्थन करते हैं किंतु वे राष्ट्रों की भूमिका को पूरी तरह नहीं नकारते हैं वे मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय और मनुष्यों की सार्वभौमिक नियति की सुरक्षा करने में दुनिया के विकसित राष्ट्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने हिंदू इस्लाम ईसाई और बौद्ध आदि धर्मों का गहन अध्ययन किया उन्होंने पांच प्रमुख उपनिषदों का मूल संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया साथ ही उन्होंने ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता पर आधुनिक टीकाएं भी लिखी अपने बाद में आने वाले विचारक रामकृष्ण परमहंस की तरह उन्होंने सभी धर्मों को उनके स्वरूप में समझने पर बल दिया राजा राम मोहन का सार्वभौमिकतावाद सभी धर्मों को समाहित नहीं करता था बल्कि सबको विकसित होने का अवसर प्रदान करता था यहां हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम अंतरराष्ट्रीयतावाद की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीयतावाद का जो पूरा विचार है वह इस बात पर एक तरीके से प्रश्न खड़े करता है कि हम अपने राष्ट्र राज्य को ही दुनिया का अंतिम सत्य माने तो राजा राम मोहन राय इस विचार के समर्थक नहीं थे उनका यह मानना था कि जो राष्ट्र राज्य की एक इकाई है जिसका विकास यूरोप में हो रहा था और एक अंग के रूप में उसके यानी कि ब्रिटेन के एक अंग के रूप में एक उपनिवेश के रूप में उस समय भारत की जो स्थिति थी उस, उस स्थिति में भारत दुनिया के जो राजनीतिक परिदृश्य में घटनाएं घट रही थी उनमें हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं था तो इस लिहाज से वो ये मानते थे कि जो विकसित राष्ट्र हैं या जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो इन राष्ट्रों के द्वारा अपनी भूमिका निभाने पर जोर दिया देने पर बल दे रहे थे तो हमें यह ध्यान देने की जरूरत है इस बात पर कि आधुनिक युग के आरंभ के बाद जो हमारे देश में प्रारंभिक चिंतक हुए उन्होंने कुछ बुनियादी मूल्यों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की तो एक बुनियादी मूल्य सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को ग्रहण करना और सभी धर्मों को के अच्छे तत्व ग्रहण करके कोई एक नया धर्म बनाना नहीं बल्कि सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को बढ़ावा देना ये एक मूल्य और दूसरा राष्ट्र राज्य को अंतिम सत्य ना मानने का मूल्य बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और उस व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास उसके विचारों का उसके व्यक्तित्व का प्रसार होने में राष्ट्र राज्य की एक सकारात्मक भूमिका देखना पर उसके आगे जाने की संभावना है वह भी राजा राम मोहन रॉय के लेखन में और उनके विचारों में सामने आता है। अगर हम मोहन रॉय के आर्थिक विचारों पर ध्यान दें तो वो कोई अर्थशास्त्री नहीं थे लेकिन देश की उन्नति में विश्वास रखने के कारण उन्होंने तत्कालीन भारतीय अर्थ एवं राजस्व व्यवस्था के सुधार संबंधी सटीक व्याख्या प्रस्तुत की उन्होंने तत्कालीन जमींदारी व्यवस्था के शोषणकारी प्रवृत्ति का विरोध किया उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि जमींदारों द्वारा रैयत पर जो शोषणकारी कर लगाए जाते हैं उन्हें कम किया जाए इस राजस्व क्षति की पूर्ति करने के लिए उनकी सलाह थी कि यूरोपीय अधिकारियों के स्थान पर भारतीय प्रशासकों को नियुक्त किया जाए तथा विलासता की वस्तुओं पर कर आभार बढ़ा दिया जाए इससे रैयत को जमींदार के बोझ से मुक्ति मिलेगी तथा सरकार को राजस्व की भी क्षतिपूर्ति होगी राजा राम मोहन ने दादा भाई नरोजी से पहले इस विचार का प्रतिपादन किया कि अंग्रेज शासक भारत के धन के निकासी कर इंग्लैंड ले जा रहे हैं उस धन की निकासी को यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन को रोका जाए इसी तरह भारत की फौज की संख्या कम कर दी जाए जिससे राष्ट्रीय खर्च में कटौती हो उन्होंने मुक्त बाजार का समर्थन किया उन्हें यह उम्मीद थी कि इससे भारतीय लोगों को लाभ होगा उन्होंने विदेशी निवेश और दक्षता को भारत में खुले रूप में लाने का समर्थन किया तो यहाँ हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक ड्रेन की जो पूरी थियरी थी जो दादा भाई नौरोजी ने आगे प्रस्तुत की उसका क्या मतलब है उसका सीधा सा मतलब यह था कि जो पूरा पूरी व्यवस्था जो ब्रिटेन की चल रही थी जिसे कि अनब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी ने कहा था उसका पूरा का पूरा मकसद यह था कि अंग्रेजों को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ब्रिटेन को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और इसके लिए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भारत के जो आर्थिक संसाधन थे उन्हें इंग्लैंड ले जाया जा रहा था तो दादा भाई नौरोजी की से पहले राम मोहन रॉय ने इस बात पर जोर दिया कि किस तरीके से जो भी कर लगाने की व्यवस्था है या जो रैयतों से लेकर जमींदारों को एक छूट दी गई है कि वो रैयतों का शोषण करें फिर जमींदार कुछ कर जो है वो शासन को देते हैं उसमें पूरी की पूरी जो स्थिति है वो फायदेमंद है ब्रिटेन के लिए और यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार शोषण का शिकार होते हैं और इसके बाद उन्होंने यह कहा कि जो लोगों की आर्थिक भलाई है उसके लिए फौज की संख्या को कम करना जरूरी है इसे राष्ट्रीय खर्च में कटौती होगी यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है क्योंकि अगर हम अलग अलग देशों को देखें जो विकासशील देश हैं वह मौजूदा समय में तो उनके खर्च का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षा खर्च पर जाता है यह कहा जा सकता है और यह कहना बिल्कुल सही है कि अगर इस तरीके के सुरक्षा खर्च नहीं होंगे तो देशों के सामने अपने अस्तित्व का संकट भी पैदा हो सकता है मिसाल के तौर पर अगर कोई देश अपनी सुरक्षा पर खर्च नहीं करता है तो वो किसी दूसरे देश के हमले का शिकार हो सकता है लेकिन राजा राम मोहन राय ने यह अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीयतावाद की नीति पे आगे बढ़ते हैं अगर हम राष्ट्र राज्य या देशों के बीच में जो शत्रुता की भावना उसे कम करते हैं और फिर उसके माध्यम से हम सेना की संख्या में कटौती करते हैं तो निश्चित रूप से इससे हर देश को लाभ होगा और यह एक सामान्य समझ की बात है कि अगर हम अपनी सुरक्षा पर की खर्च को कटौती करते हुए शिक्षा पर खर्च करते हैं और अन्य दूसरे इलाकों में खर्च करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करते हैं तो उससे देश और समाज का ज्यादा भला होगा तो ये एक अंतरदृष्टि राजा राम मोहन राय के विचार में सामने आती है उन्होंने मुक्त बाजार का समर्थन किया अब यहां मुक्त बाजार मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस बात को समझते होंगे कि मुक्त बाजार का अर्थ क्या होता है यानी कि ऐसा बाजार जिस पर राज्य के द्वारा बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा पाबंदी न लगाया जाए राज्य द्वारा पाबंदी लगाने का कारण क्या होता है राज्य द्वारा पाबंदी लगाने का कारण यह होता है कि अगर हम सीधे तौर पर विदेशी कंपनियों को आने का मौका देंगे तो उससे जो हमारे यहाँ के उत्पादक हैं वो अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे और उससे फिर यह स्थिति पैदा होगी कि जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हमारे देश के बाजार के लिए यानी कि यहाँ के तकनीक से काम करने वाले कारखाने तहस नहस हो जाएंगे और पूरा पूरा का देश जो है विदेशी पूंजी पर निर्भर हो जाएगा राजा राय की सोच यह थी कि हमारे देश में जिस तरीके की वस्तुओं का निर्माण होता है अगर हम एक मुक्त बाजार की नीति रखते हैं तो यहाँ के लोगों को उससे सीधे फायदा होगा क्योंकि बिचौलियों से मुक्त होकर सीधे तौर पर लोग अपने सामान को ब्रिटेन में भेज पाएंगे और फिर उनका उसे मुनाफा मिलेगा भारत में समृद्धि आएगी इत्यादि इत्यादि हालांकि हमने यह देखा कि जो विदेशी निवेश लाने की बात थी और जो दक्षता लाने की बात थी वह भी एक सकारात्मक बात थी हम यह देख सकते हैं हम मान सकते हैं क्योंकि आज के दौर में भी जो विदेशों से पूंजी है उसको लाने में जोर दिया जाता है और नई तकनीक के साथ इफिशेंसी भी एक महत्वपूर्ण विचार है लेकिन यह एक खतरनाक विचार भी साबित हो सकता था और हुआ भी उस समय क्योंकि हमारे देश की जो पूरी की पूरी कच्चे माल थे उस पूरी व्यवस्था में उसे आ, उसका प्रयोग अंग्रेजों ने अपनी भलाई या अपनी समृद्धि के लिए किया राम मोहन राय ने तत्कालीन भारत में नमक पर लागू किए गए एकाधिकार या मोनोपोली को भी एक बुराई सिद्ध किया और यह भी एक महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाती है क्योंकि बाद में महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ एक संघर्ष भी छेड़ा था तो ये जो जीवन की एक बुनियादी वस्तु थी नमक उस पर जो एकाधिकार था उसका भी राम मोहन राय के द्वारा विरोध किया गया राम मोहन राय का मत था कि नमक बनाने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए और अन्य उत्पादकों को भी नमक बनाने का अधिकार दिया जाए जिससे देश में इस क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ेगी नमक के भाव कम होंगे जिसका लाभ गरीब जनता को मिलेगा राममोहन राय के न्यायिक सुधार संबंधी विचार भी काफी महत्वपूर्ण हैं। राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने शासन और न्याय विभागों को पृथक करने की आवाज उठाई और ब्रिटिश संसद में विशिष्ट समिति के समुख महत्वपूर्ण मसविदे प्रस्तुत किए एन एक्सपोजिशन ऑफ द रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम शीर्षक वाली अपनी पुस्तक में उन्होंने जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए कानूनों को संहिताबद्ध करने शक्ति पृथककरण न्यायाधीशों को ईमानदारी और कुशलता से भरपूर होने उनकी स्वाधीनता जूरी प्रणाली तथा बंदी प्रत्यक्ष अधिनियम को अपनाने और अधिकारियों के कानूनी उत्तरदायित्व की मांग की उनका विचार था कि दीवानी और फौजदारी कानूनों को इस तरह संहिताबद्ध किए कर दिया जाए कि मुसलमानों और ईसाइयों को किसी भी प्रामाणिक पुस्तक का हवाला देकर व्याख्या करने की आवश्यकता ना रहे तो यह वह दौर था आ, अंग्रेजों के शासन के आ, आरंभिक दौर के की हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह के पहले की हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों का शासन काफी हद तक मजबूती से स्थापित हो चुका था लेकिन जो उसमें उसकी जो एक पूरी प्रक्रिया थी यानी कि एक नए तरह के शासन व्यवस्था को देश में लाना एक नए तरह की शिक्षा व्यवस्था को देश में लाना वह पूरी प्रक्रिया अभी धीरे 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 करके अपने पांव जमा रही थी और ऐसे में जो राजा राम मोहन राय हैं वह बार बार इस बात पर जोर देना चाह रहे थे कि जो भारत की जो न्यायिक प्रणाली है वो ज़्यादा बेहतर हो तो एक तरीके से जो ब्रिटेन में जो व्यवस्था चली आ रही थी उसके आधार पर किस तरीके से एक ज्यादा बेहतर भारतीय व्यवस्था बन सकती है उसके बारे में राम मोहन रॉय ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए तो जो अलग अलग तरह के कानून थे विभिन्न धर्मों और विभिन्न समुदायों को उन्हें कैसे संहिताबद्ध किया जाए और दीवानी और फौजदारी मामलों के कानूनों को संहिताबद्ध करके एक तरह से एक स्तर तक की एक लाई जाए इसके लिए उन्होंने यह कहा कि ऐसा करने की जरूरत है क्योंकि ऐसा होने पर फिर जो अलग अलग समुदाय हैं उन्हें आ, इस बात की जरूरत नहीं रहेगी कि वो आ, अपने अपने धार्मिक ग्रंथों का सहारा लें इसके अलावा उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यह कहा कि जो न्यायाधीश हों उनकी ईमानदारी कुशलता और स्वाधीनता को सुनिश्चित किया जाए जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने के लिए राजा राम मोहन राय ने इस बात पर जोर दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और जूरी प्रणाली को अपनाया जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यही होता है कि कोई भी जो अधिकारी हैं खासकर पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो लोगों को बिना बताए कैद में नहीं रख सकते हैं और उसकी सूचना उन्हें न्यायालय को देनी होगी तो ये सारी प्रणालियां धीरे-धीरे करकर ब्रिटेन में स्थापित हो रही थी उनका विकास हुआ था और वो यानी कि राजा राममोहन राय इन पूरी चीजों को इन पूरी बातों को हिंदुस्तान में लाना चाहते थे वे मानते थे कि शक्ति पृथककरण सिद्धांत है शक्ति पृथक का सीधा सा मतलब यही हुआ कि जो सारी शक्ति है वह एक स्थान पर एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित ना हो राजनीति सिद्धांत में हम या राजनीति विज्ञान के में जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे आमतौर पर मोन्टेस्क्यू से जोड़ते हैं और जिन्होंने की

कि कानून की नजरों में सभी लोग समान होने चाहिए पुरातन भारतीय व्यवस्था में प्रचलित न्याय पंचायत का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि उसी प्रकार जन संबद्ध संस्था द्वारा ही न्यायिक प्रणाली चलनी चाहिए अवकाश प्राप्त और अनुभवी भारतीय विशेषज्ञों को जूरी का सदस्य बनाना चाहिए भारतीय संदर्भ को प्राथमिकता देते हुए जूरी संगीता का निर्माण होना चाहिए तथा भारत में स्वतंत्रता और समानता की उपलब्धि की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए विधि संहिता जटिल न होकर स्पष्ट सरल और जन कल्याण की संरक्षिका होनी चाहिए उन्होंने कंपनी सरकार का के 1828 के उस अधिनियम का विरोध किया जिसमें भारत में जूरी द्वारा विचार की प्रथा प्रचलित की गई किंतु यह निश्चित किया गया कि ईसाइयों के मुकदमों का विचार केवल ईसाई ही करेंगे किंतु हिंदुओं और मुसलमानों के मुकदमों का के विचार के लिए इसाइयों को भी उसमें भाग लेने का अधिकार होगा राजा राममोहन ने एक आवेदन के रूप में इस जुरी व्यवस्था का विरोध किया जिस पर देश के प्रसिद्ध हिंदुओं और मुसलमानों ने हस्ताक्षर किए थे पर्याप्त वाद विवाद के बाद सन 1833 में चार्ल्स ग्रांट का जूरी बिल पास किया गया जिसके द्वारा 1828 के जूरी कानून में जो आपत्तिजनक अंश था वह रद्द कर दिया गया चार्टर एक्ट सन 1833 के निर्माण के समय राजा राममोहन राय को ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मौका दिया गया बाद में और भी ज्यादा आगे विरोध हुआ लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है हमें उसे समझने की जरूरत है कि राजा राम मोहन राय का जो कहना था वो ये था कि एक ऐसी व्यवस्था सरासर गलत है जहाँ पर यह कहा जाए कि एक जूरी होगा जिसमें कि जो हिंदू हैं और जो मुसलमान हैं उस उस जूरी में ईसाई शामिल हो सकते हैं लेकिन ईसाइयों की जूरी का में सिर्फ ईसाई ही रहेंगे तो एक तरीके से सीधे तौर पर धर्म के आधार पर भेदभाव था और राजा ने इस भेदभाव का विरोध किया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो जरूरत है वह इस बात की है कि यह जो न्यायिक व्यवस्था है वह भेदभाव से रहित हो शक्ति का पृथकरण तो हो ही लेकिन धर्म के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव ना किया जाए और आ, हम ये जानते हैं कि एक लंबे समय तक यह व्यवस्था भी रही कि जब किसी अंग्रेज का मसला होगा तो उसकी सुनवाई भारतीयों के द्वारा नहीं की जाएगी बाद में जाकर इसका भी काफी विरोध किया गया हालांकि वह एक अलग कहानी है हमें यहाँ पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि राजा राम मोहन राय भारत में प्रचलित न्यायिक और माल व्यवस्था की विवेचना कर रहे थे तथा प्रशासन को न्यायिक व्यवस्था से अलग करने की मांग करते हुए उन्होंने जो प्रवर समिति थी जहाँ वो गए थे इंग्लैंड में और जहाँ पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई उस प्रवर समिति के सामने उन्होंने यही मांग रखा कि जो प्रशासन है और जो न्यायिक व्यवस्था उसे अलग किया जाए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वे ही व्यक्ति न्यायिक अधिकारी बने जो निष्पक्ष स्पष्ट और विवेक संपन्न तथा निरपक्ष निरपेक्ष होकर शासन की हर इकाई के प्रति ईमानदार रह सके राजा राममोहन राय का सुझाव था यदि ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारतवासी सरकार के प्रति आस्थावान रहे तो शिक्षा के अनुसार दायित्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना पड़ेगा उसे भारतीय लोगों को देशवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय सम्मान देना पड़ेगा तो एक तरीके से जब राजा राम मोहन राय एक चिंतक के रूप में भारतीय समाज की कुरूतियों का विरोध कर रहे थे तो ऐसा लग सकता है या ऐसा उनके आलोचकों ने उन पर आरोप लगाया कि वो पश्चिम की दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं लेकिन जब वो ब्रिटेन जाते हैं या जब उनका लगातार संवाद होता है अंग्रेजी शासन के अधिकारियों से तो वहां पर वह भारतीयों के अधिकारों की मांग करते हैं वहां पर वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जो हिंदुस्तान है उसके संदर्भ में ऐसी नीति बननी चाहिए जिससे कि हिंदुस्तान के लोगों को फायदा हो और इसका सीधा सा मतलब यह है कि वे खासतौर पर अगर हम न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में देखें तो वे यह चाहते थे कि न्यायिक प्रणाली में सुधार हो वे चाहते थे कि जो अलग अलग कानून संहिताबद्ध करके एक जगह लाया जाए वे यह चाहते थे कि जो न्याय करने वाले व्यक्ति हों, उनकी पास स्वतंत्रता हो उनके पास अपना निर्णय लेने के, के लिए एक योग्यता भी हो और वो हर प्रकार के दबाव से मुक्त होकर काम कर सके वे यह चाहते थे कि जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उसके क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति कार्यपालिका में है वो न्यायपालिका के निर्णय में दखल अंदाजी करें वे यह भी चाहते थे कि जो भारत के लोग हैं उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान मिले यानी कि ऐसा कोई नियम ना हो कि जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो कुछ खास व्यवस्थाओं में जा ही नहीं सकते हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जो एक ईसाई और हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव किया जा रहा है कि अगर जूरी प्रणाली अपनाई गई है तो उस जूरी प्रणाली में जब हिंदुओं या मुस्लिमों का मसला होगा तो उसमें ईसाई भी जूरी के सदस्य हो सकते हैं लेकिन जब ईसाइयों का मसला होगा तो हिंदू और मुस्लिम नहीं रह सकते हैं तो ये जो भेदभाव है उससे भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया हमें यह समझने की जरूरत है कि ये जो सारे प्रयास राजा राम मोहन राय कर रहे थे वो वो लगातार अंग्रेजों से डायलॉग करते हुए उनसे संवाद करते हुए कर रहे थे तो जब उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों से संवाद किया तब उन्होंने हिंदुस्तान या भारतवर्ष या हिंदू समाज भी हम कह सकते हैं आ, आ, उसकी कमियों पर उन्होंने जोर दिया उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न धर्म आपस में संवाद करें और एक दूसरे को फलने फूलने का मौका दें लेकिन जब वो अंग्रेजों से बात कर रहे हैं जब वो इंग्लैंड जाकर वहां पर भारतीय लोगों का मुद्दा रखते हैं तो वहां पर वो हिंदुस्तानियों की तरफ से बात करते हैं तो ये जो पूरी एक आलोचना राजा राम मोहन रॉय के सामने आती है कि वो बहुत ज्यादा ब्रिटिश दृष्टि से प्रभावित थे वह आलोचना भी बहुत ही सीमित और हम कह सकते हैं गलत प्रतीत होती है क्योंकि वो लगातार भारतीयों की बेहतर स्थिति के लिए प्रयास कर रहे थे यहाँ पर हम संविधानवाद और न्याय के बारे में राजा राम मोहन राय के विचारों पर बातचीत करेंगे राजा राम मोहन राय के कानूनी और राजनीतिक चिंतन के दार्शनिक डे जैसे इतिहासकार यह मानते हैं कि राम मोहन का संविधानवाद पारंपरिक हिंदू चिंतन और व्यवहार से प्रभावित था इससे इसमें पहले से ही न्यायिक अधिकार संप्रभु के हाथों में था इसके विपरीत विमान बिहारी मजुमदार ने तर्क दिया कि राय का चिंतन खासतौर पर संवैधानिक चिंतन ब्लैकस्टोन और बेंथम जैसे अंग्रेज न्यायविदों और उपयोगितावादियों से प्रभावित था कुछ चिंतक यह भी मानते हैं कि राजा राममोहन राय पर बेंथम के प्रभाव को ज्यादा बढ़ा बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया राय किसी भी आ, आ, सुधार की गुणवत्ता को मापने का आधार खुशी को मानते हैं लेकिन उनके इस विचार को हिंदू या बौद्ध दर्शन के शुभ के रूप में भी देखा जा सकता है आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने यह विचार रखना चाहूँगा कि खासतौर पे जो यूटिलिटेरियनिज़्म उपयोगितावाद है और बेंथम की इस विचार पर राय का रॉय का जो कि इस विचार का रॉय पर जो प्रभाव पड़ा वह किस रूप में था सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जो जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया उस उपयोगितावाद के सिद्धांत में यह कहा गया कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही जो है वो एक सही काम करने का आधार हो सकता है यानी कि कोई भी निर्णय कोई भी सुधार कोई भी नीति तभी सही मानी जा सकती है यदि उससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हासिल हो आप यह ध्यान देंगे कि जो जेरेमी बेंथम है उन्होंने सभी लोगों का सभी सुख नहीं कहा लेकिन फिर भी उनका विचार काफी हद तक एक प्रगतिशील विचार या कुछ हद तक क्रांतिकारी विचार भी माना गया क्योंकि उनके विचार के दो पहलू थे एक तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख और इसके साथ ही साथ किसी भी चीज को अच्छा या बुरा मानने के लिए कॉन्सिक्वेंसियलिज्म पर जोर देना परिणामवाद पर जोर देना कि आप यह दिखाएं कि यह चीज गलत है या चीज यह चीज सही है तो इस रूप में जो जेरेमी बेंथम हैं, उनके विचारों का राजा राम मोहन रॉय पर भी प्रभाव पड़ा जेरिमी बेंथम ने अब सुखों की आ, मात्रा पर जोर दिया था बाद में उनके ही जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि हमें सुखों या खुशी की मात्रा पर नहीं बल्कि हमें खुशी की की जो पूरी एक गुणवत्ता है उसकी जो क्वालिटी है उस पर जोर देना चाहिए तो इसी आधार पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने यहाँ तक कहा था कि एक संतुष्ट सुअर होने के बजाय एक असंतुष्ट सुखरात होना ज्यादा बेहतर है लेकिन अगर हम राजा राम मोहन रॉय के पास फिर से वापस आए तो राजा राम मोहन राय यह मानते थे कि अगर हम कोई भी सामाजिक सुधार करते हैं या कोई भी नीति अपनाते हैं तो उस पर जो ध्यान देने या याद रखने वाली जो कसौटी है वह यही है कि इससे कितने लोगों को लाभ हो रहा है कितने लोगों को खुशी मिल रही है और अगर उससे ज्यादा लोगों को खुशी मिलती है तो वह नीति अपनाने लायक है निश्चित रूप से हम राजा राम मोहन रॉय की भी वही आलोचना कर सकते हैं जो कि बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल ने जेरेमी बेंथम की की लेकिन जो बहुत सारे विद्वान हैं उनका यह मानना है कि असल में हम यह देख सकते हैं कि जो बौद्ध या हिंदू दर्शन है उसमें भी शुभ की यही अवधारणा मौजूद है यानी कि हम सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते हैं कि एक अवधारणा जो पश्चिम में आई जैसे कि उपयोगितावाद की अवधारणा वह पहले से भारतीय दर्शन में मौजूद नहीं थी हो सकता है कि उसका नाम उपयोगितावाद ना हो वो अलग तरीके से मौजूद हो तो ये जो पूरा वाद विवाद है, उसका मुख्य बिंदु यही है कि किस सीमा तक हम राजा राममोहन राय रॉय को पश्चिमी चिंतकों से प्रभावित मान सकते हैं निश्चित रूप से राजा राम मोहन रॉय पश्चिम के अच्छी बातों को लेने पर भरोसा करते थे लेकिन जो बहुत सारे जो चिंतक हैं उनका यह कहना है कि असल में हम राय पर पश्चिम के प्रभावों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ना देखें अगर राय मानते हैं कि अगर हम एक नीति अपनाते हैं और उसकी अच्छाई इसमें है कि उससे लोगों को कितना फायदा होता है तो यह जो नीति अपनाने की बात है या यह जो एक सुधार करने की बात है वो हिंदू और बौद्ध दर्शन में भी है तो कुल मिलाकर यह मुख्य बिंदु यहाँ पर है लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने इस बात की कोशिश की और वो बिंथम को जानते थे बेंथम के विचारों से परिचित थे तो उन्होंने यह और इनके विचारों ने आकर भी लग रहे थे राजा राममोहन राय को तो एक प्रभाव था संपूर्ण प्रभाव था या नहीं यह एक वाद विवाद का विषय है लेकिन इसके आधार पर उन्होंने अधिकार और न्याय के प्रश्न को महत्वपूर्ण तरीके से उठाया तो अगर हम राममोहन राय के जीवन को देखें तो वहाँ पर भी पश्चिमी संस्थाओं पश्चिमी ज्ञान परंपरा से उनका परिचय बहुत शुरुआती दौर से ही दिखता है रंगपुर के कलेक्टर के निजी सचिव के रूप में उन्हें कानूनी संस्थाओं का ज्ञान मिला कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू के रूप में उनके पास अर्ध न्यायिक शक्तियां थीं कलकत्ता आने के बाद उन्हें पश्चिमी कानूनी सिद्धांतों का गहन ज्ञान मिला तो निश्चित रूप से वे पश्चिमी शिक्षा को जानते थे बेंथम की तरह ही उन्होंने कानून और नैतिकता के बीच में अंतर किया और कानूनों को संहिताबद्ध करने पर बल दिया बेंथम की तरह ही रॉय ने सामाजिक समझौता और प्राकृतिक अधिकारों के विचारों को नकारा और ये जो दो शब्द हैं सामाजिक समझौता और प्राकृतिक अधिकार उसका सीधा सा मतलब यही है कि कई ऐसे विचारक आए जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति के लिए ये कहा कि लोगों के बीच में एक समझौता हुआ उससे राज्य बना है और प्राकृतिक अधिकारों का मतलब यह हुआ कि यह कहा जाता है कि मनुष्य जब मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो प्रकृति के द्वारा उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं बाद में जो ये पूरा प्राकृतिक अधिकारों का वाद विवाद था वह आगे बढ़ते हुए मानवाधिकारों के वाद विवाद में भी सामने आ गया कि मनुष्य होने के कारण हमारे कुछ अधिकार हैं लेकिन जो जो बेंथम थे या जो थे या रॉय वो इन बातों को इसलिए नकार रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि अधिकार वही हैं जिनको की एक कानूनी मान्यता मिली हुई हो जिनको की किसी देश या समाज का जो कानून है जो संहिताबद्ध कानून है सिर्फ परंपराओं से चले आ रहे कानून के से नहीं बल्कि संहिताबद्ध कानूनों से जिसको की एक स्वीकृति मिली हुई हो तो रॉय ने तो इस लिहाज से वो बेंथम का प्रभाव उन पर साफ दिखता है ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है रॉय ने मुख्य रूप से नागरिक और धार्मिक अधिकारों पर जोर दिया उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की चर्चा नहीं की इसलिए जहां उन्होंने यह कहा कि धार्मिक सहिष्णुता को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है वहीं उन्होंने सत्ता की लोकतांत्रिक भागीदारी पर बल नहीं दिया लेकिन एक तरीके से हम नागरिक अधिकारों को भी राजनीतिक अधिकारों के रूप में देख सकते हैं वर्तमान दौर में भी आ, लेकिन निश्चित रूप से जहां तक शासन में भागीदारी की बात है या शासन को लोकतांत्रिक बनाने की बात है तो यह चीज सामने नहीं आई उन्होंने अपने निबंध ऑन राइट्स ऑफ हिंदूज ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो कि 1830 में प्रकाशित हुई थी उसमें उन्होंने यह कहा कि ऐसे संपत्ति नियमों को लागू किया जाना चाहिए जो आम लोगों की स्वीकार्यता पर आधारित हों रॉय यह चाहते थे कि न्याय की प्रक्रिया में निहित स्वार्थी तत्वों का प्रभाव कम हो उन्हें देश के पंचायत स्तर की न्याय व्यवस्था से यह शिकायत थी कि यह प्रभावशाली लोगों के हित में काम करती है इसी तरह उन्हें लगता था कि भाषाई स्तर पर पारंगत न होने के कारण यूरोपीय जजों को स्थानीय प्रभावशाली लोग प्रभावित कर सकते हैं तो ये एक तरीके से स्थानीय भाषा के ज्ञान पर एक जोर देने की बात भी उनके लेखन में सामने आती है रॉय कहते हैं कि यूरोपीय जजों को कायम रखने के साथ साथ भारतीय जजों की नियुक्ति भी होनी चाहिए और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग थी और यह उनके अपने देश के लोगों पर विश्वास को भी दर्शाता है वो यह मानकर चलते थे कि जो यूरोपीय जज हैं वो भाषा नहीं जानते हैं तो उन्हें बाकी लोग प्रभावित कर सकते हैं वो यह भी मानकर चलते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय परंपराओं स्थानीय लोगों की जो एक स्थिति है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो वो इस विचार को पूरी तरीके से गलत मानते हैं कि जो मुख्य रूप से जज हों वो यूरोपीय लोग ही हों और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो जज हों वो भारतीय भी हों उन्होंने आ, मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया है कि कानूनों को संहिताबद्ध करने का और उनका मानकीकरण करने पर जोर दिया संहिताबद्ध करने का मतलब ये है कि सिर्फ परंपराओं या मुंह जुबानी बात के आधार पर चीजें ना हों बल्कि उन चीजों को एक कानून के रूप में एक जगह रखा जाए और लिखित रूप में रखा जाए कि किस मामले में कौन से कानून हैं उनका एक मानकीकरण हो मानकीकरण का मतलब यह हुआ कि अगर अलग अलग जगहों पर कानून आपस में टकराते हैं तो ऐसी स्थिति में कौन सी चीज एक विशेष स्थिति में महत्वपूर्ण या वरीयता देने लायक मानी जाए वो तय हो जाए बजाय इसके कि हर बार जब स्थिति आती है तो कहीं की परंपरा या कहीं की दूसरी जो लोगों के बीच में प्रचलित मान्यता है उस पर ध्यान दिया जाए इसके बजाय एक निश्चित कानून हो इस पर राम मोहन राय ने जोर दिया राय यह नहीं चाहते थे कि हर किसी के लिए समान कानूनी प्रक्रिया हो उन्होंने यह कहा कि उच्च पद वाले लोगों के बारे में विशेष आयोगों द्वारा फैसला लिया जाना चाहिए और ये एक तरीके से राजा राम मोहन राय के विचारों की एक सीमा के रूप में भी सामने आता है और ये बहुत पहले आ, मतलब अभी भी हमारे देश में इसको अपनाया गया और बहुत पहले से भी इस बात को माना जाता रहा है कि आ, जो कानून है उसके सामने लोगों की समानता होनी चाहिए लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया के अलग अलग होने की बात करते हैं और आ, कहते हैं कि जो उच्च पदों पर लोग बैठे हैं उन्हें एक विशेष आयोग के द्वारा उनके मामले पर सुनवाई होनी चाहिए तो ये एक तरीके से उनके विचारों में एक अभिजनवादी प्रवृत्ति भी कह सकते हैं और एक सीमा के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं राममोहन ने अपने संविधानवाद में शक्तियों की व्यवहारिक पृथकता का पक्ष लिया उन पर मॉन्टेस्कू और ब्लैक स्टोन का प्रभाव साफ दिखता है वे यह चाहते थे कि कुछ खास नागरिक संस्थाओं को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जाए राय ने लोकतंत्र और निरंकुशता दोनों को अस्वीकार माना उनके अनुसार लोकतंत्र लापरवाही को बढ़ावा देता है तथा तनासाही मानवीय गरिमा और आजादी के खिलाफ है लोकतंत्र लापरवाही को बढ़ावा देता है यह एक ऐसा विचार है जो कि प्लेटो के लेखन में भी में मिलता है और कई सारे जो लोकतंत्र के आलोचक हैं वो इस पर जोर देते हैं और जैसे प्लेटो ने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र में तो यह पता नहीं चलता है कि व्यक्ति असल में चाहता क्या है या उसके जीवन में कोई अनुशासन का महत्व है भी या नहीं एक दिन वो उठता है तो उसका मन करता है कि वो गिटार बजाना सीखे दूसरे दिन गिटार या कोई वाद्य यंत्र और दूसरे दिन वो सोचता है कि वो कुछ और काम करे तीसरे दिन वो कुछ और काम में लग जाता है चौथे दिन वो कुछ और करता है तो ये जो बात राम मोहन रॉय लापरवाही के कह रहे हैं कि चूंकि लोगों के भीतर एक अनुशासन की भावना नहीं आ पाती है तो वो उसे अस्वीकार मानते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो कहते हैं कि कोई ऐसी सत्ता हो जो लोगों को एकदम से नियंत्रित करे उनका मार्गदर्शन करे कि हर स्थिति में उनको क्या करना है तो इन दोनों के बीच में वो एक अच्छी सरकार की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि सबसे अच्छी सरकार वह है जो राष्ट्रों के कानूनों में दखल अंदाजी करने की शपथ ले वे भारत के संदर्भ में किंग और पार्लियामेंट जैसी संस्थाओं को सर्वोच्च विधायी अधिकार देना चाहते थे ब्रिटेन से कानून बनाने के साथ ही उन्होंने भारत के शासन से में शासन के बेहतर संचालन के लिए कुछ बातों पर बल दिया आ, पहला तो उन्होंने ब्रिटेन से कानून बनाने की जो स्थिति थी उसको नकारा नहीं उन्होंने कुछ बातों पर बल दिया पहला भारत में प्रेस की आजादी होनी चाहिए दूसरा समय समय पर जांच आयोगों का गठन होना चाहिए प्रेस की आजादी से निश्चित रूप से बहुत सारी जो कमियां होती हैं शासन की वो सामने आ सकती हैं और सिर्फ प्रेस होना जरूरी नहीं है प्रेस की आजादी होनी जरूरी है यानी कि जो प्रभावी लोग हैं जो शासन में बैठे लोग हैं उनसे स्वतंत्र होकर प्रेस के लोग अपने विचारों को रख पाएं समय समय पर जांच आयोगों का गठन होना चाहिए वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि जो ब्रिटेन में बैठकर शासन संचालन हो रहा है वहां असल में जमीनी यानी हिंदुस्तान में जमीनी स्तर पर उसका स्वरूप क्या है उसके देखने के लिए जरूरी था कि जांच आयोग गठित हो लोग जाए बार बार और ये देखिए कि वास्तविक स्थिति क्या है तीसरा प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा योग्य भारतीयों को जगह मिलनी चाहिए तो राजा राम मोहन राय यह नहीं कहते हैं कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएं, लेकिन वो योग्य भारतीयों को जगह देने पर जोर देते हैं वो भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना चाहते थे वे मानते थे कि ऐसा होने पर ही भारत में अंग्रेजों की सच्चा सत्ता मजबूत हो सकती है यानी कि अंग्रेज अपनी आलोचनाओं को सुने अंग्रेज बार बार जाँच आयोग गठित करके जांच करें कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं और साथ ही वे योग्य भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा मौका दें जब 1822 में भारतीय प्रेस के खिलाफ लगने वाले प्रतिबंधों का उन्होंने विरोध किया और किंग को याचिका भेजी जब किंग ने उनकी याचिका या पिटीशन पर कोई ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने मिरासुल अखबार बंद करने का फैसला किया राय इस बात से भी नाराज थे कि अंग्रेज हिंदू समाज के सम्मानित और जिम्मेदार वर्गों से सलाह लिए बगैर ही सुधार को आगे बढ़ा रहे हैं कुल मिलाकर राजा राम मोहन राय चाहते थे कि अंग्रेज भारतीयों के साथ संदेह नहीं है नकार न करने के बावजूद वे बदलाव के लिए तैयार थे उन्होंने लगातार सुधारों पर जोर दिया वे अंग्रेजों के शासन को समाप्त करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे बल्कि उन्होंने इसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय हितों के अनुरूप बनाने पर बल दिया और अगर हम इस रूप में राजा राम मोहन रॉय को पर विचार करें तो हम उन्हें एक बहुत ही प्रेरक व्यक्ति के रूप में पाते हैं जो लगातार अध्ययन कर रहे थे लगातार संवाद कर रहे थे वे भारतीय लोगों के साथ संवाद करते हुए भारत की भारतीय परंपराओं की कमियों के बारे में बता रहे थे और जब वो अंग्रेजों से संवाद कर रहे थे तो भारतीयों के हितों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखने भारतीय समाज को बेहतर बनाने यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता लाने योग्य भारतीयों को शासन में स्थान देने इत्यादि पहलुओं पर जोर दे रहे थे वे यह भी चाहते थे कि आर्थिक क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था है जिससे भारतीय हितों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल पाए तो अगर हम एक 19वीं सदी के प्रारंभिक दौर में सक्रिय चिंतक के रूप में राजा राम मोहन रॉय को देखते हैं तो हमें पाते हैं कि वो एक ऐसे दूरदृष्टि से भरे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज को एक बेहतर दिशा देने के लिए काम किया और उसके लिए लगातार प्रयास किया सामाजिक स्तर पर आर्थिक स्तर पर परंपराओं को चुनौती देकर अंग्रेजों से संवाद करके तो इस लिहाज से इनका योगदान आधुनिक भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण था और इनके विचार भी काफ़ी प्रेरक थे कई विचारों में सीमाएँ नजर आती हैं और ये सीमाएँ खासतौर तो पर जो लोकतंत्र की वो आलोचना करते हैं वो आलोचना कुछ सही लगते हुए भी लोकतंत्र की महत्ता को आ, नकार नहीं सकती हैं वो नकारती है लेकिन ऐसा नकारा नहीं जाना चाहिए और भी कई बातें जिनकी पीछे हमने चर्चा की है वो उनके विचारों की सीमाओं के रूप में हैं लेकिन वो सीमाएं इसलिए हैं क्योंकि वो एक खास काल और परिस्थिति से बंध कर लेखन कर रहे थे तो अः मुझे उम्मीद है कि राजा राम मोहन राय पर इस चर्चा से आप उनके जीवन उनके प्रमुख कार्यों उनके प्रमुख विचारों के बारे में एक समझ बना पाए होंगे और आगे आप राजा राम मोहन राय के बारे में और ज्यादा अध्ययन करने के लिए प्रेरित होंगे अपनी चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य राजनीतिक चिंतक पर बातचीत करेंगे नमस्कार